उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के करीब एक महीने बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, साथ ही गोमती रिवर फ्रंट के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल यादव को निलंबित कर दिया गया है। पिछली सरकार में नियुक्त किए गए आईएएस अफसरों के फेरबदल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और आखिरकार आज उसका ऐलान हो भी गया। इस फेरबदल में मृत्युंजय कुमार को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का सचिव बनाया गया है, तो अवनीश अवस्थी को नवनीत सहगल की जगह प्रमुख सचिव सूचना बनाया गया है। वहीं नोएडा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रमा रमन को पद से हटाकर फिलहाल प्रतीक्षा सूची में डाला गया है और उनकी जगह सीनियर आईएएस अफसर अमित मोहन प्रसाद को नोएडा अथॉरिटी का सीईओ बनाया गया है। उन्हें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इनके अलावा नवनीत सहगल, अनीता सिंह, डिंपल वर्मा का भी सरकार ने तबादला किया है, लेकिन इन अधिकारियों को फिलहाल वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। लखनऊ कमिश्नर भुवनेश कुमार को भी पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा जीडीए के वीसी विजय कुमार भी पद से हटा दिए गए हैं, जबकि अनीता मेश्राम को सचिव, बाल विकास पुष्टाहार आलोक सिन्हा को प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास और राज प्रताप सिंह को प्रमुख सचिव खनन बनाया गया है। तो प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है, कई अफसरों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। इसके साथ ही सरकार अभी कई विभागों और योजनाओं की जांच भी करा रही है, जिसके बाद अभी कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। देखते रहिए डीबी लाइव।